Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्रीय महासचिव यानी कि आजम खान के बूथ पर भी चुनाव हार गई है। आजम खान रामपुर शहर से 10 बार विधायक चुने गए हैं। भड़काऊ भाषण मामले में 3 साल की सजा होने के बाद उनकी विधायकी भी चली गई, उनसे वोट डालने का अधिकार भी छीन लिया गया। लेकिन उनकी पत्नी पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम ने वोट डाला। इनका मतदान केंद्र रजा डिग्री कॉलेज में है और बूथ संख्या 5 है। इस बूथ पर कुल 189 वोट पड़े, जिसमें से महज 96 वोट भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना को मिले, जबकि सपा प्रत्याशी असीम रजा को महज 87 वोट ही मिले। और वहां पर भी आकाश सक्सेना यानी कि आजम खान के गढ़ में और आजम खान के बूथ पर लगभग जो है 9 वोट आकाश सक्सेना ज्यादा प्राप्त किए हैं। आजम खान के बूथ पर जीती थी भाजपा, आकाश को मिले थे 96 वोट। निर्दलीय प्रत्याशी जुनैद खान को 2, इम्तियाज जुमान खां व मोइन खां को 1-1 वोट मिला, जबकि 2 वोट नोटा के खाते में चले गए। रजा डिग्री कॉलेज में ही बूथ संख्या पर एक भाजपा जीती है, उसमें 280 वोट मिले हैं और सपा प्रत्याशी को महज 11 वोट ही मिल सके हैं। बूथ संख्या पर 2 पर भाजपा को 303 वोट और सपा को महज 15 वोट मिले हैं। इसी तरह बूथ संख्या 3 पर भाजपा को 120 और सपा को 30 वोट मिले हैं। बूथ संख्या 4 पर भाजपा हार गई है, उसे 19 वोट मिले हैं, जबकि सपा को 144 वोट मिले हैं। बूथ 6 पर भाजपा को 16 और सपा को 53, बूथ 7 पर भाजपा को 28 और सपा को 148, बूथ 8 पर भाजपा को 36 और सपा को 93, बूथ 9 पर भाजपा को 13 और सपा को 131, बूथ 10 पर भाजपा को 38 और सपा को 51 वोट प्राप्त हुए हैं। बूथ 11 पर भाजपा को 21 और सपा को 61, बूथ 12 पर भाजपा को 47 और सपा को 132, बूथ 13 पर भाजपा को 74 और सपा को 82, बूथ 14 पर भाजपा को 57 और सपा को 239 वोट मिले हैं। रामपुर में चुनाव नहीं बल्कि धांधली हुई है, ऐसा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का कहना है। इन सभी 14 बूथों पर मतों की गिनती पहले चक्र में हुई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी को 1148 और सपा को 1277 वोट मिले। चमरवा के विधायक नसीर अहमद खान शहर के बेरीवान मोहल्ले में रहते हैं, उनके बूथ पर सपा जीत गई। आजम खान के बेटे विधायक अब्दुल्ला मतदान के दिन से ही कह रहे हैं कि रामपुर में चुनाव नहीं हुआ बल्कि धांधली हुई है। पुलिस ने वोट नहीं दिया लेकिन वोटरों को बुरी तरह पीटा और मतदान केंद्र पर पहुंचने से भाग दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति 10 दफा तक विधायक रह चुका है, राज्यसभा सांसद रह चुका है, अब लोकसभा सांसद रह चुका है, उनकी विधायक पत्नी रह चुकी है, उनकी सांसद पत्नी रह चुकी हैं, 2 बार अब्दुल्ला आजम विधायक रह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस चुनाव में वो अपने बूथ पर भी आजम खान जो हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से हार गए हैं। बाकी इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें बताइएगा, ठीक है।